सॉलिड स्टेट डायोड डिटेक्टर की उत्पत्ति और प्रथम महत्वपूर्ण प्रयोग पर किए गए हमारे खोजपूर्ण शोध से ये प्रमाणित हुआ कि पहले अटलांटिक महासागर पार बेतार संचार का संकेत जो मार्कनी ने आयरन मरकरी आयरन कोहरा और एक टेलीफोन डिटेक्टर के उपयोग से प्राप्त किया था, उसका आविष्कार असल में 1898 में सर जेसी बोस ने किया था। और तभी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने जगदीश चंद्र बोस को अपने वायरलेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया। तब आचार्य जगदीश चंद्र बोस को मार्करी के साथ बेतार संचार के पथ प्रदर्शक कार्य के लिए रेडियो का सह आविष्कारक माना। जनवरी 1998 में यह सिद्ध हुआ कि मार्कनी का बेतार अभिग्राही यानी वायरलेस रिसीवर जगदीश चंद्र बोस द्वारा आविष्कारित था। मार्कनी ने इसी का एक संशोधित अभिग्राही यंत्र उपयोग किया था जो मर्करी ऑटो कोहेरर था, जिससे पहली बार अटलांटिक महासागर पार बेतार संकेत 1901 में प्राप्त हुआ। आज का रेडियो, टेलीविजन, रडार, भूतलीय संचार, रिमोट सेंसिंग, माइक्रोवेव अवन और इंटरनेट आचार्य जगदीश चंद्र बोस के कृतज्ञ हैं, जिन्होंने माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगों का आविष्कार किया और बिना तार के संकेत भेजे, और जिन्हें अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का भी आविष्कारक माना जाता है, जिन्होंने दर्शाया कि पौधे बाहरी उद्दीपन यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से प्रतिवेदित होते हैं। कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को समझना हो तो उस समय को समझें जिसमें उसने अपना जीवन व्यतीत किया हो। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड पर आज इस घर को देखिए, एक छोटी संगमरमर की तख्ती। इस मकान नंबर 93 में आचार्य जेसी बोस रहा करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे चुनिंदा लोग उस समय कलकत्ता के इसी उत्तरी भाग में रहा करते थे। वो समय था एक बौद्धिक क्रांति का, और यही वो समय भी था जब देश में विज्ञान शोध कार्य लगभग नहीं के बराबर थे। ऐसी ही परिस्थितियां थीं जब जगदीश चंद्र बोस ने विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक योगदान दिया। तब देश में इस तरह का काम किसी ने शुरू तक नहीं किया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान पढ़ते हुए जगदीश चंद्र बोस ने एक वैज्ञानिक बनने का निर्णय लिया। अपने 36वें जन्मदिवस पर उन्होंने संभावना भरे प्रयोग का प्रदर्शन किया कि लघु विद्युत चुंबकीय तरंगों या शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा संकेत प्राप्त हो सकते हैं। पहला प्रदर्शन प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ और फिर कलकत्ता टाउन हॉल में। यहाँ देखिए घटनाओं का नाट्य रूपांतरण। प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक छोटे से कमरे में बैठे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जगदीश चंद्र बोस को सूक्ष्म तरंगीय संचरण पर प्रयोग करते हुए देख रहे हैं, और ये हैं फादर इयोगेन लेफों, सेंट जेवियर्स कॉलेज में भौतिकी के महान शिक्षक, जो दरवाजे पर पहरेदार हैं। बंद दरवाजे के दूसरी तरफ हैं
प्रोफेसर पेटलर, जिनकी नजरें पिस्तौल पर टिकी हैं। एक बटन दबाया, आचार्य जेसी बोस ने एक बटन दबाया और उधर पिस्तौल चल पड़ी, और वो भी बिना छुए, बिना हाथ लगाए। कलकत्ता के इस प्रदर्शन ने पहली बार दर्शाया कि संचार संकेत विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा भेजे जा सकते हैं। उन्होंने दर्शाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी सुदूर स्थल तक केवल अंतरिक्ष के सहारे पहुंच सकती हैं, तथा ये तरंगें किसी क्रिया का किसी अन्य स्थान पर नियंत्रण भी कर सकती हैं। असल में यही है रिमोट कंट्रोल सिस्टम। लेकिन इस पथ प्रदर्शक कार्य की क्या महत्ता थी? रेडियो विज्ञान में इस प्रथम महत्वपूर्ण घटना का क्या स्थान था? देखिए यह सब हुआ कैसे। स्कॉटलैंड के भौतिकविद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपने गणितीय सिद्धांत से सिद्ध कर दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। मैक्सवेल के समीकरण से देखा जा सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व संचरण की दिशा में होते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगे होती हैं, और तरंगों के समान इनमें आवृत्ति होती है। आवृत्ति किसी निश्चित समय में किसी निश्चित बिंदु से तरंगों के गुजरने की संख्या होती है। दिलचस्प बात यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें दूसरी तरंगों से भिन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रवाह हर दिशा में हो सकता है, जबकि ध्वनि तरंगें हवा में लॉन्गिट्यूडिनल तरंगों के रूप में घने और हल्के होते हुए चलती हैं। वहीं पानी की तरंगें अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स तरीके से चलती हैं। मैक्सवेल की इस महत्वपूर्ण खोज ने विद्युत और चुंबकत्व को इकट्ठा देखा। फिर आए एक जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, जिन्होंने पहली बार मैक्सवेल के सिद्धांत को अपने प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया। उन्होंने दिखाया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण पैदा भी किए जा सकते हैं और प्राप्त भी किए जा सकते हैं, जो आज रेडियो तरंग कहलाते हैं, और जिसे पहले हर्ट्जियन वेव्स या एथेरिक वेव्स भी कहा जाता था। इस तरह किया गया था विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन। ये जो चिंगारी आप देख रहे हैं, यही है हर्ट्जियन तरंगें। इन्हीं चिंगारियों के साथ में रेडियो तरंगें भी पैदा होती हैं। हर्ट्ज ने यह भी दिखाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाशीय तरंगों की भांति परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। लेकिन हर्ट्ज द्वारा प्राप्त सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य 0.66 मीटर या 66 सेंटीमीटर की थी। इन तरंगों के प्रकाशीय गुणों जैसे परावर्तन, अपवर्तन और ध्रुवण को मापने के लिए हर्ट्ज को बहुत बड़े बड़े उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन जर्मनी में हेनरिक हर्ट्ज के प्रदर्शन के 7 साल बाद ही एक अनोखा कार्य हुआ, और ये हुआ हिंदुस्तान में। आचार्य जेसी बोस वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जो सूक्ष्म तरंगें पैदा कर सकता था और जो 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक की थी, और इसीलिए उनका ये यंत्र इतना छोटा था कि उसे एक छोटे बक्से में कहीं भी ले जाया जा सकता था।
और यही थी सबसे चौंकाने वाली बात, क्योंकि उस समय मार्कनी, ऑलिवर लॉज और अन्य वैज्ञानिक सैकड़ों मीटर की तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संकेत संचारण पर शोध कार्य कर रहे थे। आचार्य जेसी बोस ने दुनिया को उस समय एक बिल्कुल नए तरह की रेडियो तरंग दिखाई, जो कि 1 सेंटीमीटर से 5 मिलीमीटर की थी, जिसे आज माइक्रोवेव्स या सूक्ष्म तरंग कहा जाता है। आइए समझते हैं कि रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे होती क्या हैं। हम जानते हैं कि हमारी आंखें केवल लाल से नारंगी रंग तक के तरंग दैर्ध्य को ही देख पाती हैं। लाल से परे स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगे होती हैं और सूक्ष्म तरंगे भी। बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगे पृथ्वी के ऊपर आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर से टकराकर वापस आती हैं, और यही कारण है कि पृथ्वी के कोने से दूसरे कोने तक तरंगों का पहुंचना संभव हो पाता है, और जो दुनिया भर में रेडियो प्रसारण का कारण है। और यहां देखिए किस तरह आचार्य जेसी बोस ने 1 सेंटीमीटर से 5 मिलीमीटर तक की सूक्ष्म तरंगे पैदा की, और जो 19वीं शताब्दी के आखिरी कुछ सालों में उनकी कलकत्ता स्थित प्रयोगशाला में हासिल की गई। ये विकिरक यानी रेडिएटर है, जिसको ट्रांसमीटर एंटीना या वेव एमिटर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट कॉन्टैक्ट डिटेक्टर है, जिसे कोहेरर या अभिग्राही भी कहते हैं, और ये अभिग्राही या अभिग्राही एंटीना, जिसे वेव डिटेक्टर भी कहते हैं, और ये है ग्रेटिंग, ये चिंगारी उत्पन्न करने वाला उच्च वोल्टेज यंत्र है। इससे पॉइंट कॉन्टैक्ट डिटेक्टर पर दाब नियंत्रित होता है। और ये चक्र ध्रुवक को रखने के लिए है। खास तौर पर आचार्य जेसी बोस ने यह दिखाया कि लघु विद्युत चुंबकीय तरंगे एक प्रकाश पुंज की तरह परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित भी कर दिखाया। उन्होंने ऐंठे पटुए के गट्ठर और कागजों की गद्दी से विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवित किया। आचार्य जेसी बोस के मिलीमीटर तरंगों पर ऐसे अग्रणी कार्यों ने भारत में प्रायोगात्मक विज्ञान की आधारशिला रखी। उस समय एक बड़ी समस्या विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त करने की थी। अभी ये निश्चित होना बाकी था कि तरंगों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। जिस तरह हमारी आंखें प्रकाश को देखने के लिए संसूचक या डिटेक्टर का काम करती हैं, उसी तरह विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्राप्त करने के लिए भी एक संसूचक की जरूरत होती है। आचार्य जेसी बोस के सामने ये एक समस्या थी। प्रसारित संकेत को प्राप्त करना सन 1900 में एक समस्या थी। उस समय डायोड तो था नहीं जिससे संकेतों को ग्रहण किया जा सके, तो फिर इसका समाधान क्या था? समाधान मिला एक अभिग्राही या संसूचक यानी कोहेरर के रूप में, जो संकेतों का अभिग्रहण एंटीना से कर सकता था। अभिग्राही एक ऐसा यंत्र है
जिसकी सहायता से एंटीना द्वारा रेडियो तरंगों को प्राप्त किया गया। कोहेरर का काम था कि वो एसी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को डीसी में इस तरह बदल दे कि जिससे एक मोर्स प्रिंटर और ईयरफोन काम करने लगे। अभिग्राही के संचालन का मूल आधार था धातु के कणों का आपस में इकट्ठा होना। जब रेडियो आवृत्ति उन कणों पर डाली जाती है तब विद्युत धारा का प्रवाह आसान हो जाता है। समस्या ये थी कि अभिग्राही में धारा प्रवाह रेडियाई संकेतों के हटने के बाद भी बना रहता था, जबकि अभिग्राही को संकेत हटते ही अगले संकेत प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। लगातार संकेत प्राप्त होते रहें, इसलिए अभिग्राही को थोड़ा झटका देना पड़ता था। अब हम देखेंगे कि समस्या को सुलझाने के लिए फ्रांसीसी भौतिकविद एडवर्ड ब्रेनले ने 1890 के दौरान किस प्रकार अभिग्राही का आविष्कार किया था। ब्रेनले ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा यंत्र अभिग्राही में लगा दिया जाए जो उसे बार बार ठकठकाता रहे। ब्रेनले के बाद सर ऑलिवर लॉज ने अभिग्राही का एक उन्नत रूप बनाया। लेकिन आचार्य जेसी बोस की नजरों में इसमें भी और बेहतरी की गुंजाइश थी। अच्छे संचार के लिए एक अच्छे संसूचक की जरूरत होती है, इसलिए आचार्य जेसी बोस ने धातु के कतरनों वाले संसूचक की जगह एक कहीं बेहतर स्पाइरल स्प्रिंग कोहेरर बना डाला। इस यंत्र में छोटे छोटे स्प्रिंग एक दूसरे के साथ परस्पर दबाव से यूं जुड़े हैं कि जब विद्युत चुंबकीय विकरण इसकी संवेदनशील सतह पर पड़ता है तो इस कोहेरर की प्रतिरोधक शक्ति अचानक कम हो जाती है और इस धारा प्रवाह को धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर में देखा जा सकता है। स्प्रिंग पर हल्के दबाव से ही संसूचक की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। यही कारण था कि यह संसूचक ब्रेनले के संसूचक से बेहतर माना गया। फिर आया एक इससे भी उन्नत कोहेरर। आचार्य जेसी बोस ने सोचा तो क्यों ना गैलेना का प्रयोग किया जाए। गैलेना जो लेड सल्फाइड के क्रिस्टल्स होते हैं इसके लिए बिल्कुल उचित साबित हुए। आचार्य जेसी बोस ने फिर एक जोड़े गैलेना से एक संवेदनशील गैलेना पॉइंट कॉन्टैक्ट संसूचक बनाया जिसे रेडियो तरंगों का पहला अर्धचालक अभिग्राही माना जाता है। गैलेना का प्रयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों को विद्युतीय स्पंदों में बदलने के लिए किया गया। विद्युतीय स्पंदों को एक एयरफोन द्वारा पुनरुत्पादित कर सुना जा सकता था। फिर भी आचार्य जेसी बोस ने अभिग्राही पर अपना शोध कार्य जारी रखा और अंततः एक ऐसा अभिग्राही प्राप्त करने में सफल भी हो गए जिसे बार बार झटके नहीं देने पड़ते थे। इस उत्कृष्ट वैज्ञानिक यंत्र में धातु की एक छोटी प्याली में पारा भरा होता है जो तेल की पतली परत से ढकी होती है, जिसे आयरन मरकरी आयरन कोहेरर कहा गया। इस उपकरण के ऊपर लोहे की एक छोटी डिस्क लटकी हुई थी जिसे एक पेंच की मदद से ऊपर नीचे किया जा सकता था और जो तेल की पतली परत से ढके हुए पारे को बस छू पाती थी। संसूचन की क्रिया तब होती थी जब रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल तेल की उस पतली परत को बस इतना ही भेद पाती थी कि धारा प्रवाह स्थापित हो सके। ऐसे कोहेरर जिनको झटके नहीं देने पड़ते थे, मतलब जिन्हें डी कोहेर नहीं करना पड़ता था, उन्हें
स्वस्थापन कोहिरर यानी सेल्फ रेस्टोरिंग कोहिरर कहा गया। और यही वो वैज्ञानिक समस्या थी जिसको आचार्य जेसी बोस ने दुनिया के लिए हल किया। और यही वो ऑटो कोहिरर था जिसे एक टेलीफोन से जोड़कर एक ऐसा विश्वसनीय मजबूत कोहिरर बना लिया गया जिसे मार्कनी ने अपने महासागर पार बेतार संचार में प्रयोग किया। ऐसा नहीं था कि इतना कुछ कर लेने के बाद बोस चुपचाप बैठ गए। उन्होंने सोचा कि यह संकेत अब और ज्यादा दूर तक क्यों नहीं पहुंच सकता, जैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज से उनके घर तक जो कि 1 मील दूर था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते, उन्हें ब्रिटिश एसोसिएशन के आमंत्रण पर इंग्लैंड जाना पड़ा, जहां उन्हें लिवरपूल सेशन में शामिल होना था। लिवरपूल में प्राप्त ख्याति से आचार्य जेसी बोस को फिर रॉयल इंस्टीट्यूशन में फ्राइडे इवनिंग लेक्चर्स के आमंत्रण मिले। इन्हीं व्याख्यानों के दौरान जब जेसी बोस ने अपने उपकरणों का खुला प्रदर्शन किया तो कई बुद्धिजीवी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने आविष्कारों से व्यापार करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। बोस के एक अमरीकी दोस्त सारा बुल, जिन्हें मिसेस ओले बुल के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने बोस को समझाया बुझाया, तब वो अपने अभिग्राही गैलेना रिसीवर के पेटेंट के लिए तैयार हो गए। अर्जी दाखिल की गई 30 सितंबर 1901 में और पेटेंट मिला 29 मार्च 1904 में। लेकिन बोस ने अपने अधिकारों को मानने से इनकार किया और पेटेंट की अवधि समाप्त होने दी। आचार्य जेसी बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक थे और कैम्ब्रिज के क्राइस्टचर्च मिल्टन कॉलेज से एमए, डॉक्टर ऑफ साइंस 1896 यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए 1920 में। जन्म 1858, देहांत 1937। आचार्य जेसी बोस ये देखकर अत्यंत प्रसन्न होते कि उनके द्वारा आविष्कारित सूक्ष्म तरंगों की तकनीक पिछले 4 दशकों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस सफलता से प्रयोग की जा रही है। लेकिन तब से अब तक समय बहुत गुजर चुका है। रेडियो विज्ञान की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक और मेधावी वैज्ञानिक प्रोफेसर शिशिर कुमार मित्रा ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में शोध कार्य प्रारंभ किया। प्रोफेसर एस के मित्रा और उनके सहयोगियों ने भारत के ऊपर एक आयनित परत का प्रायोगिक पता सन 1930 में लगाया और यह प्रयोग कलकत्ता स्थित इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के उपकरणों और 50 किलोमीटर दूर स्थित हरिंगघाटा के अभिग्राही यंत्रों की मदद से संभव हो पाया। कहानी जब आगे बढ़ती है तो एक निराशा होती है। आचार्य जेसी बोस का सूक्ष्म तरंगों पर अग्रणी शोध कार्य लगभग 50 सालों तक आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 1940 के दशक में प्रोफेसर एस के चटर्जी और उनके सहयोगियों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में सूक्ष्म तरंगों पर एक नई नजर डाली। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सभी के मार्गदर्शक आचार्य जेसी बोस ही थे जिन्होंने
न केवल दुनिया के लिए एक नई राह रोशन की, बल्कि भारतवासियों के लिए गर्व और सम्मान का एक अनोखा उदाहरण भी पेश किया।